पिज्जा बनाने के लिए सबसे पहले हम एक कटोरी गुनगुने पानी ले लेंगे एक बड़ी से कटोरी में। उसके बाद उसमें एक और आधा चम्मच चीनी डालेंगे, उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ हम जो चीनी है वो पाउडर शुगर ले रहे हैं, जिससे आसानी से मिक्स हो जाए, नॉर्मल भी ले सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ डायरेक्ट ईस्ट ले रहे हैं, इसका हम एक ढक्कन ले लेंगे, उसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसको रेस्ट करने के लिए रख देंगे थोड़ी देर, कवर करके 10 मिनट हम इसको छोड़ देंगे। अब यहाँ पर मैदा ले रहे हैं एक बड़ा कटोरी, उसमें हम एक चम्मच नमक डाल देंगे, इसको अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें एक और आधा चम्मच मिल्क पाउडर ऐड कर रहे हैं, इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे मैदे में। इसके बाद हम इसमें एक कटोरी दही डाल देंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें 3 चम्मच तेल डाल देंगे, कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं, हमने यहाँ रिफाइंड ऑयल यूज़ किया। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे पूरे। उसके बाद हम इसमें जो डायरेक्ट ईस्ट का जो मिक्सचर बनाया था उसको ऐड कर देंगे और इसका अच्छे से डो बना लेंगे सॉफ्ट सा। अगर पानी की ज़रूरत पड़ती है तो आप पानी भी डाल दीजिए थोड़ा सा। ये हमारा सॉफ्ट डो बन गया है, इसको हम एक बार नीड कर लेंगे अच्छे से। बहुत ही सॉफ्ट डो बना है। उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा ऑयल अप्लाई कर देंगे। उसके बाद हम इसको एयर टाइट कंटेनर में, किसी भी एयर टाइट कंटेनर में डाल के कवर कर देना 4-5 घंटे छोड़ने के बाद। ये अच्छे से फर्मेंट हो जाएगा और डो जो है हमारा फूल जाएगा। उसके बाद हम इसमें से एक पोर्शन ले लेंगे और ये हमारे पास जो है मक्के का आटा है, इसमें लगा के हम इसको अच्छे से रोल करेंगे। इसको रोल करने के बाद हम इसमें फॉर्क की हेल्प से इसमें होल कर देंगे। उसके बाद हम इसमें हीटेड पैन जो है उसमें हम कटोरी रख के, प्लेट रख के कवर करके इसको रख देंगे 10 मिनट छोड़ने के बाद। ये देख सकते हैं आप, बढ़िया बेस तैयार हो गया हमारा। उसका इसमें पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे हम, इसको अच्छे से स्प्रेड कर देंगे इक्वल हर साइड से। इसमें स्लाइस किए हुए जो अनियन है हम इसको डाल देंगे। अब हम इसमें जो कैप्सिकम है उसको भी डाल देंगे, जो भी वेजिटेबल है हम वो डाल सकते हैं, हमारे पास जो है हम वो डाल रहे हैं। इसमें पनीर भी ऐड करेंगे हम, पनीर क्यूब्स जो है। हम इसमें पिज़्ज़ा सीजनिंग जो है उसको स्प्रिंकल करेंगे थोड़ा सा, उसका चिली फ्लेक्स को भी स्प्रिंकल करेंगे। उसके बाद ये चीज़ है इसको डालेंगे, हमने यहाँ मोज़रेला चीज़ यूज़ किया है, आप कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम इसमें साइड्स पे भी अच्छे से चीज़ को स्प्रेड करेंगे। उसके बाद हम पिज़्ज़ा सीजनिंग स्प्रिंकल करेंगे, सेम चिली फ्लेक्स डालेंगे, फिर उसके बाद फिर ऑलिव्स डालेंगे ऊपर से। इसको स्किप भी कर सकते हैं, हीटेड पैन में हम इसको रख देंगे, तो कवर कर देंगे 10 मिनट। 10 मिनट बाद ये इसी वजह से मेल्ट हो गया है, ये रेडी है सर्व करने के लिए। बैच भी डाल दिया पिज़्ज़ा का।